कोई हम किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हम तो खुद स्टूडेंट हैं और सीख रहे हैं और ये बातें करने से हम लोग के अपने दिमागों में बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती, होती है बहुत बड़ी बात होती है सच्ची बात है क्योंकि सही मानो में इकबाल की ट्रांसलेशन तो कोई जिस तरह वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था कि इकबाल के शेरों की तशरी करने के लिए भी कलंदर होना पड़ता है क्योंकि छोटे लेवल की बात तो की नहीं बाबे ने कभी बाबा जिस लेवल पे था उस लेवल पर जाकर बात ही की जा सकती है तो समझे इंसान हम तो एक स्टूडेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम से कम उस समुंदर से कुछ कतरे निकाल लेंक मगर वो कतरे ही हमें इंटॉक्सिकेट करने के लिए काफी है बहुत ज्यादा तो इकबाल जो डिफाइन करते हैं कि इस मिलत को कि देखो अपना ताल्लुक दोबारा जहां पर यह अनोइंगली हम हजूर की सुनत पर इतना अमल कर रहे हैं अब नोइंगली करो हजूर को तुम रसूल और नबी तो मानते हो उनको अपना मुर्शिद और गाइड भी तस्लीम करो

कसीदा बुरदा शरीफ जो पूरी मिलत इस्लामिया में सबसे मशहूर नात है की की शान उसको कसीदा बुरदा कहते ही इसलिए है है कि वो वो बुरदे का मतलब है चादर ठीक है वो तो, तो है। वो इमाम बुसैरी के ऊपर वो चादर पड़ी हुई थी तो इमाम अब देखें खाब में उनको ये चादर तो मिली और सचमुच फिजिकली उनके ऊपर थी तो जब घर से निकलते हैं इस नात को लिखने के बाद तो एक अल्लाह का फकीर उनको रास्ते में रोक कर कहता है कि जो खाब में हुजूर ने तुम्हें तोहफा दिया है चादर का और जो तुमने शेर कहे हैं वो जरा मुझे दे दो इमेजिन कीजिए यानी वो 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 कसीदा मुझे सुनाओ तो ये हैरान हो गए कि वो तो खाब में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस साथ, है साथ तुम्हें है। कैसे पता चला तो ये एक मिस्टिकल दुनिया है एक राजों की दुनिया है ये एक ऐसी दुनिया है कि जिसका ताल्लुक अनसीन अनसिन लेकिन ये रियल है फिजिकल अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं नूरुद्दीन जंगी जब ऐसा जनरल हो सकता है और इमाम बुसैरी ऐसे शायर हो सकते हैं तो आज के दौर में इस उम्मत का ताल्लुक अपने रसूल से उस तरह क्यों नहीं हो सकता दिस इज एग्जैक्टली वोट इकबाल एम्फोसाइज और आगे इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि इकबाल की शख्सियत के जो पहलू हैं अब तो किताबें लिखी जा रही हैं इकबाल की मिस्टिकल डायमेंशन डायमेंशन पे पे मिस्टीरियस कि यार ये बाबा था कुछ और नजर कुछ आता था अंदर उसकी एक इनके मुलाजमो ने इनके बेटे ने जस्टिस जावेद इकबाल ने किताब लिखी है उसके अंदर ऐसे ऐसे हैरत अंगेज वाक्यात लिखे हैं जिंदा रूद जो किताब है कि इंसान के दिमाग लिटरली फ्यूज उड़ जाते हैं कि इकबाल यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल जो जाहरी तौर पर इस दुनिया में नहीं भी है लेकिन

यानी नकाब रूए तू बाला गिरफ्त जब तक के तुम्हारे चेहरे का नकाब नहीं उठा था मैं यूरोप से बड़ा मुतासर था लेकिन अब तो मैं यूरोप को निगाह भी नहीं डालता यूरोप की तमाम तहजीब तमदन आइडियोलॉजी कल्चर उनकी आइडेंटिटी उनका सोशल स्टेटस उनका एवरीथिंग डेट्स फ्रॉम यूरोप अब मुझे पसंद नहीं आता है मुझे लोगों ने गैरों की बड़ी दास्तानें सुनाई लोगों ने मुझे बड़ा सिखाया कि यूरोपियन आइडियोलॉजी ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी अमेरिकन आइडियलॉजी चाइनीज और सोशलिज्म कैपिटलिज्म हिंदुओं ने ये कहा लोगों ने मुझे गैरों की बड़ी दास्तानें सुनाई लेकिन जब से मैंने तुम्हारे चेहरे पर निगाह डाली है अब मैं दूसरों से इंप्रेस नहीं होता आई सीन यू ए मिल्लत मैं तेरी तेर अब्रू का शहीद हूं मैं ऐसा शहीद हूं जिसको तुमने शहीद कर दिया है मैं तेरे हुसन से मारा गया हूं मैं और अब तेग तो तलवार तलवार तो का मतलब वो एक मजाज में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे योर ब्यूटी हैज किल्ड मी ठीक है तुम्हारी खूबसूरती ने मार दिया मुझे तुम्हारे हुसुन ने मार दिया मुझे और मुझे सुकून तुम्हारे पास मिला है मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं हर तहजीब मैंने देखी हर सिविलाइजेशन को स्टडी किया लेकिन मुझे सुकून अब तुम्हारे पास मिला है लिहाजा अब मैं लौट के तुम्हारे पास आ रहा हूं कमिंग बैक टू यू और तुमसे अब मैं सीखना चाहता हूं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है माजी क्या था और वो इसलिए कि मिल्लत में तुमसे प्यार इसलिए करता हूं कि तुम मेरे दोस्त की महबूब हो दोस्त मेरे दोस्त की महबूब हो यानी दोस्त हजूर सल्ला हजूर तुमसे प्यार करते हैं हजूर तुम पर अपने आखिर में भी हजूर ने उम्मती उम्मती अपनी उम्मत के बारे में फिक्र की है जब मेरे दोस्त की तुम महबूब हो मुझे हजूर से इश्क है हजूर तुमसे प्यार करते हैं तो मैं तुमसे प्यार करता हूं यानी मेरा रिलेशनशिप तुमसे अपने दोस्त के हवाले से है और इस तरह हो तुम तो मेरे पहलू में जैसे दिल होता है यानी अगर ए मिल्लत तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो ऐसा जैसे कि मेरा दिल निकाल के ले गया किसी ने मेरे दिल को खत्म कर दिया तो फिर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा आई विल नॉट लिव विदाउट यू आई लव यू फॉर द सेक ऑफ रसूल अल्लाह एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू इतनी मिस्टिकल और पोइटिक डायमेंशन है इतनी खूबसूरत अंदाज में ये पर्याबल है यानी मिलत इस्लामिया को मुखातिब करके उसका मकाम बता रहे हैं कि तुम्हारा रोल मकाम क्या है फिर वो कहते हैं कि ए मिल्ल मैंने अपना सीना चीर के तेरे सामने रख दिया है मैंने अपने सीने को चीर के तेरे सामने रख दिया है और तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि एक दफा देखो तो सही मेरे दिल में क्या है जो दुख है जो दर्द है तेरे वास्ते प्यार और मोहब्बत है मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं ये मुसलमान नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं मुसलमानों को मुखातिब कर रहे हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूं खुदा के वास्ते मेरे दिल पर निगाह डालो देखो मैं क्यों कर रहा हूं जो मोहब्बत और प्यार मेरे दिल में छुपा हुआ है मेरी नीयत पे शक नहीं करो इस बात पर शक ना करो कि मेरे अमल में कोई कमी है इस बात पर शक ना करो कि तुम्हें नजर आता है शायद कि मेरी जात में कोई गलतियां कोताहियां खराबियां होंगी खुदा के वास्ते मेरे दिल पे निगार डालो, मेरे ज़ाहिर को देखकर मेरे कलाम से, मेरे बात कहना चाह रहा हूं जब तुम अपने चेहरे को आईने में देखोगे देखो तो अपने इश्क में गिरफ्तार हो जाओगे तुम्हें पता तो लगे तुम कितनी खूबसूरत हो हाउ ब्यूटिफुल यू आर विच इज ऑल्सो ट्रम एक्सटेंड आप देखेंगे पाकिस्तान हो या मुसलमान कहीं भी हो मुसलमान के ऊपर कोई भी मुसीबत किसी भी किसी भी हिस्से में दुनिया के हो तो मुसलमान उसको फील करते हैं अपनी उम्मत के लिए एक बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक ये किसी और रिलीजन के अंदर इतना ज्यादा है, है। जो कि मुसलमानों के, के है, अंदर क्योंके... है आई मीन नॉट इन ईवल वे एज वुड डू इट बट मुसलमानों का एक बड़ा स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपस में चाहे वो गहरा ताल्लुक है यानी जब आप वेर एवर दे आर हज पे जाते हो जो इतना बड़ा ब्रदरहुड की मिसाल नजर आती है काला गोरा मशरक मगरब अरबी अजमी सारे फर्क खत्म सारे सफेद एहराम में एक अल्लाह को झुक रहे हैं और जितनी चैरिटी और जितना सेक्रीफाइस और जितना सदका आपको हज में नजर आता है जिंदगी में आप कभी उसको जानते नहीं हो कभी मिले नहीं होते और सब कुछ लोग लुटा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं सिर्फ अजर के लिए कोई आपकी खिदमत कर रहा है कोई हाथ धुला रहा है कोई वजू करा रहा है कोई खाना खिला रहा है रियल एक है होती तो ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं मिल्ल तो अपने चेहरे पर निगाह तो डाल तुझे अपने चेहरे से अपने आप से इश्कना हो जाए तो कहना ये सब चीजें देखने के देखने के लिए वेरी इंटेंस लेट्स टेक अ ब्रेक